चैनल सिंपली दीवा और ट्रैवल ब्लॉगिंग में आज हम आ चुके हैं प्रयागराज में। जी हाँ, 2019 में अगले साल यहाँ पे होने वाला है महाकुंभ, लेकिन उससे पहले हम यहाँ संगम में आ चुके हैं जहाँ पे गंगा जमुना सरस्वती का मिलन होता है। खास बात यह है कि जमुना का कलर और गंगा का जो कलर है बिल्कुल साफ तौर पे अलग अलग दिखाई देता है। हम जा रहे हैं अभी प्रयागराज में स्नान करने के लिए और आपको बहुत जल्द गंगा जमुना का मिलन दिखाने वाले। अब हम संगम में आ चुके हैं और नाव से संगम में जा रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत पक्षी आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये संगम है जहाँ एक तरफ गंगा जी हैं, एक तरफ जमुना जी हैं। आप साफ साफ देख सकते हैं कि दो अलग अलग कलर में पानी नजर आ रहा है। संगम स्नान के बाद अब हम आ चुके हैं बड़े हनुमान जी यानी कि लेटे हनुमान जी के दर पर। और कहते हैं कि संगम यदि आप आए हैं और लेटे हनुमान जी के दर्शन करते हैं तभी आपकी प्रयागराज की जो यात्रा है वो पूरा होती है। तो पहले हम बाहर से आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से लेटे हनुमान जी का जो मंदिर है वो यहाँ पे नज़र आ रहा है। चारों तरफ मेला सा माहौल है। एक ब्रिज है जो गंगा जमुना को जोड़ता है, बहुत ही पुराना ब्रिज है और ये इलाहाबाद को कई जगह से जोड़ता है। हालांकि अंदर वीडियोग्राफी करने की परमिशन नहीं है, हम कोशिश करेंगे कि हम आपको दिखा सकें। यदि हम नहीं दिखा पाएंगे तो हम आपको तस्वीरों से दिखाने की कोशिश करेंगे। अभी हम अंदर जा रहे हैं और लेटे हनुमान जी का दर्शन करने वाले हैं। मरुतनंदन नमो नमः, कष्टभंजन नमो नमः, असुरनिकंदन नमो नमः, श्रीरामदूतम् नमो नमः। मरुतनंदन नमो नमः, कष्टभंजन नमो नमः, असुरनिकंदन। तो हमने अब लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन कर लिए। बड़ी मुश्किल से मैंने व्यवस्था की है कि आप लोगों को उनके दर्शन करा पाऊं। तो अब जो है हमारी सवारी जो है वो बनारस की तरफ निकलेगी। बनारस में भी जो भी चीजें होंगी मैं आपको जरूर दिखाऊंगी।